हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी सेकेंड क्लास के अंदर हैं। प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको कॉस्टिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, एक बार उसका क्विक रिवीजन दे देते हैं। कॉस्ट का मतलब बताया था कोई भी खर्चा जो हम कमाने के लिए करते हैं और जिसको कस्टमर से रिकवर कर सकते हो एज अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है एक टाइम पीरियड में जो भी कॉस्ट लगी है, चाहे 15 दिन में या एक महीने में या 6 महीने में, उसको अकाउंट फॉर करना, एक्यूमुलेट करना, इस कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट निकालना, और कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब है जो कॉस्ट स्टेटमेंट बनाई है अलॉन्ग विथ सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है वो लोग उसके बेसिस पर वहाँ से कुछ डिसीजंस लेते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक तो कॉस्ट एसर्टेन करना, दूसरा प्रॉफिट फाइंड आउट करना, सेलिंग प्राइस निकालना, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन हो गया, और अल्टीमेटली मैनेजमेंट को असिस्ट करना जिससे कि वो डिसीजंस ले सकें। आज के सेशन में हम अपना एक मेन टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के 3 नाम और भी हैं, सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग। हम कॉस्ट शीट से अपनी आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। ये बेसिक टॉपिक है, इसमें हम आपको कॉस्टिंग के और भी बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं कॉस्ट शीट। ये जो कॉस्ट शीट टॉपिक है, अभी तक जितनी बार भी एग्जाम हुआ है हमेशा इसका क्वेश्चन पूछा गया है, वेटेज कितनी है? 10 मार्क। कभी भी 10 मार्क से कम का नहीं आया, एवरी टाइम प्रैक्टिकल आया है। वो सारे क्वेश्चंस तो हमारे नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड है ही, साथ में हम आपको और भी बेहतरीन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। 30 से ज़्यादा सवाल हम कॉस्ट शीट की अपनी क्लास के अंदर करेंगे, और इसमें आपको सारे कॉस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। आइए फॉर्मली शुरू करते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट सिंगल कॉस्टिंग आउटपुट कॉस्टिंग यूनिट कॉस्टिंग, ये इसके 4 नाम हैं। इसके 4 अलग अलग नाम क्यों हैं? जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको चारों नाम के सिग्निफिकेंस समझ आ जाएंगे। अब बात करते हैं इस टॉपिक में है क्या, हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपने प्रीवियस क्लास के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो पढ़ा था, और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं हमें उसकी कॉस्ट निकालनी है। सो एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव कॉस्ट शीट चैप्टर जो है वो फुलफिल करता है। ये एक तरीका है, ये एक मेथड है कॉस्ट को एसर्टेन करने का। लेकिन कॉस्ट शीट जो ओरिजिनली बनी है वो किन के लिए बनी है? कॉस्ट शीट एक्चुअली, ये जो टॉपिक, ये जो मेथड बना, ये उन लोगों के लिए बना है जो एक सिंगल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो भी बल्क में बनाते हैं। मतलब वहां पर ऐसा नहीं है कि डिफरेंट वैरायटीज बन रही हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज बन रही हैं। कॉस्ट शीट का उपयोग वो लोग करते हैं जो सिंगल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं और बल्क में बनाते हैं, वो लोग कॉस्ट शीट का उपयोग करते हैं। मैं आपको कुछ फर्म्स के एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक है ब्रिक मेकिंग। ब्रिक मेकिंग का मतलब हो गया ईंटें, आपने ईंट का भट्टा देखा होगा। वो लोग अगर अपनी कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट शीट के माध्यम से निकालेंगे, क्योंकि आप सोच के देखिए, ईंट की कोई 10-15 वैरायटी नहीं होती, एक ही तरह की ईंट बनती है, और ऐसे भी नहीं कि 100, 200, 500 बना के रख ली। एक एक आदमी वहाँ जो आता है, मान लीजिए कोई अपना घर बना रहा है तो 1-2 लाख ईंटें ले जाता है, और अगर कोई मान लो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वहाँ तो सोचो कितनी तादाद में ईंटें जाती होंगी। तो ऐसे में कॉस्ट शीट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सिंगल वैरायटी और बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा कोल मेकिंग, आपने जो कोल माइंस होती है वहां से कोल निकाल लिया, बट आप उसको प्रोसेस करके छोटे छोटे कोयले में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे भी कॉस्ट शीट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक ही वैरायटी है और जो प्रोडक्शन है वो बल्क में होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, रेल को चलाने के लिए कोल की जरूरत होती है,
अब ये लोग कोई एक दो किलो या एक दो टन तो खरीदते नहीं है, बल्क में खरीदते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं, कॉस्ट शीट एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। इसका उपयोग कौन लोग करते हैं? जो सिंगल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं और बल्क में बनाते हैं, वो लोग कॉस्ट शीट का उपयोग करते हैं अपनी कॉस्ट को निकालने के लिए। इसमें ब्रिक मेकिंग हो गया और साथ में कोल मेकिंग कंपनीज हो गई। लेकिन आजकल जमाना बदल रहा है, अब लोग क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए डिफरेंट वैरायटीज भी बना रहे हैं और छोटी क्वांटिटी भी बना रहे हैं, मतलब बल्क में नहीं बना रहे, वो लोग भी कॉस्ट शीट का उपयोग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए। अब जैसे कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो लोग जीन्स बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, कोट बनाते हैं, तो वो लोग भी कॉस्ट शीट का आजकल उपयोग कर रहे हैं। कोई कंपनी है वो पेन बनाती है, वो लोग भी कॉस्ट शीट का उपयोग कर रहे हैं। आपने देखा, हम कोविड से बाहर निकले तो मास्क एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो पीछे बहुत बिकी है, तो जो कंपनी मास्क बना रही है वो भी कॉस्ट शीट का उपयोग कर रही है कॉस्ट को निकालने के लिए। सो कुल मिला के ओरिजिनली कॉस्ट शीट किसके लिए है? जो सिंगल वैरायटी बल्क में बनाते हैं, लेकिन आजकल के टाइम में हर कोई कॉस्ट शीट के माध्यम से अपनी कॉस्ट को निकाल रहा है। अब कॉस्ट को कैसे निकालते हैं? यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, एक फॉर्मेट है, उसके थ्रू कॉस्ट को निकाला जाता है। हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें जितने भी खर्चे हो सकते हैं वो सारे इस फॉर्मेट में कवर्ड हैं। आप अपने प्रोडक्ट को बनाने में जो भी कॉस्ट लगा रहे हैं इस फॉर्मेट में लिखते जाएं, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। अल्टीमेटली आप प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कॉस्ट शीट का उपयोग ना सिर्फ कॉस्ट निकालने के लिए बल्कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए भी किया जाता है, आफ्टर एडिंग एप्रोप्रिएट प्रॉफिट मार्जिन। अब कॉस्ट शीट का फायदा क्या है? कॉस्ट शीट आपको कॉस्ट डिफरेंट लेवल्स पे बताती है। डिफरेंट लेवल्स का मतलब फैक्ट्री तक कॉस्ट कितनी, उसके बाद ऑफिस तक कॉस्ट कितनी, शोरूम तक कॉस्ट कितनी, ऐसे हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। एक बार जरा बात को समझिएगा, एक कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लिवाइस। लिवाइस कंपनी जीन्स बनाती है। अब हमें जीन्स की कॉस्ट निकालनी है, थोड़ा वाइडर सोचना शुरू करेंगे। अब लिवाइस कंपनी ने अपनी एक फैक्ट्री फरीदाबाद में खोल दी। अब वहाँ पर जीन्स का प्रोडक्शन होता है, जीन्स बनती हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डेनिम वगैरह आता है, फिर वहाँ पे कुछ टेलर्स बैठे हैं, वो उसको स्टिच करते हैं, उनको सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर्स होते हैं, कोई मैनेजर्स वगैरह लोग भी बैठते हैं। उस पूरी फैक्ट्री में और भी खर्चे लगते होंगे, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, स्विंग मशीन का डेप्रिसिएशन, इसके अलावा वहाँ पर फैक्ट्री का किराया। अब जो बड़े अफसर लोग होते हैं, जैसे जनरल मैनेजर है, डायरेक्टर्स हैं, उनका मेन काम क्या होता है? ऑफिस में बैठकर अपने बिजनेस को मैनेज कंट्रोल करना। वो लोग फैक्ट्री में नहीं बैठते, तो उन्होंने अपना एक कॉरपोरेट ऑफिस दिल्ली में खोल दिया। अब दिल्ली में जब कॉरपोरेट ऑफिस खोला, वहाँ अफसर लोग बैठते हैं, वो देखते हैं प्रोडक्शन कितना हुआ, अब वो देखते हैं बेचना किसके थ्रू है, ऑनलाइन बेचना है, ऑफलाइन बेचना है, कितने स्टोर्स हमारे हैं, तो सारी प्लानिंग मैनेजमेंट वहाँ पे की जाती है। उस ऑफिस के भी तो खर्चे लगते होंगे, जैसे उस ऑफिस का रेंट, जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन, ये सब। अब लिवाइस ने अपने कुछ आउटलेट्स खोल दिए, जैसे एक पंजाब में खोल दिया, एक यूपी में खोल दिया, एक महाराष्ट्र में खोल दिया, वहाँ उनके खुद के आउटलेट्स हैं, वहाँ पे वो जीन्स बेचते हैं। अब जीन्स जब वहाँ बेचते हैं तो सोच के देखिए, उन आउटलेट्स के भी तो एक्सपेंस होते होंगे, जैसे उसका बिजली का बिल, वहाँ पे जो सेल्समैन काम कर रहे हैं, बिलिंग के लिए उन्होंने कंप्यूटर वगैरह लगा रखा है, उसके खर्चे, शॉपिंग बैग। तो कहने का मतलब ये है, जब एक जीन्स की कॉस्ट निकाली जाएगी लिवाइस कंपनी की, तो उसमें फरीदाबाद फैक्ट्री के खर्चे, दिल्ली ऑफिस के खर्चे, और जिस शोरूम से बिक रही है उस शोरूम के खर्चे, ये सारी चीज़ें ऐड की जाएंगी, तब जाके टोटल कॉस्ट आती है। क्योंकि ये सारे खर्चे हम कस्टमर से रिकवर करते हैं, हम अपनी पॉकेट से पे नहीं करते। कॉस्ट शीट एक ऐसा माध्यम है जो स्टेप वाइज सारे खर्चों को नोट करता रहता है और अंत में हमें टोटल कॉस्ट बता देता है। कॉस्ट शीट कहता है फैक्ट्री तक कॉस्ट कितनी लगी, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे ऐड करने के बाद कितनी कॉस्ट लगी, शोरूम के खर्चे ऐड करने के बाद कितनी कॉस्ट हुई, ये टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और वहाँ से सेलिंग प्राइस निकल आता है। ये है कॉस्ट शीट का मेन पर्पस, जिसके थ्रू हम कॉस्ट निकालते हैं।
मैं आपको थोड़ा सा यहाँ नोट कराऊंगा। लेकिन बाय चांस कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि कॉस्टशीट कौन उपयोग करता है, तो आप वहाँ पे तो यही कहेंगे जो सिंगल वैरायटी बल्क क्वांटिटी में बनाते हैं वही लोग कॉस्टशीट का उपयोग करते हैं। वहाँ पे आपको ये सब पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो सभी लोग कॉस्टशीट का उपयोग कर रहे हैं, जो डिफरेंट वैरायटी बना रहे हैं, जो छोटी छोटी क्वांटिटी बनाते हैं वो भी कॉस्टशीट का उपयोग कर रहे हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। आपने वो लिखना है जिसके लिए टॉपिक बना है। ओरिजिनली कॉस्टशीट कौन लोग यूज़ करते थे, आपको वही चीज़ें मेंशन करनी है। मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लिखवाता हूँ, फिर एक इसका बड़ा फॉर्मेट है वो आपको लिखवाऊंगा। फॉर्मेट में एक एक चीज़ आपको समझाई जाएगी, उसके बाद कहीं जाके हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपके बेसिक्स कवर होने वाले हैं। यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस वाइल डूइंग द चैप्टर। आइए कॉस्टशीट। सबसे पहली बात सर, क्वेश्चन इस टॉपिक में से प्रैक्टिकल आएगा थ्योरी आएगा? लीजिए, प्रैक्टिकल सर थ्योरी भी आ सकती है, इसमें थ्योरी है ही नहीं तो थ्योरी आएगी कैसे? कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बेसिस पर वो आपसे पूछ सकता है रिकॉग्नाइज करो ये क्या है, या ट्रू फॉल्स टाइप वो आ सकता है। एकदम जो ठस थ्योरी होती है ना, ये एक्सप्लेन कर दो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो सब नहीं आएगी। तो यहाँ से आप मान के चलिए 100% प्रैक्टिकल आएगा, या कोई ट्रू फॉल्स टाइप या मैच द फॉलोइंग, अगर वो कुछ पूछना चाहे तो ऐसा कुछ पूछ सकता है, जिसको हम MCQ बोलते हैं, वो आपको आगे जाके बता देंगे कि क्या कुछ आ सकता है। तो प्रैक्टिकल यहाँ से आता है। वेटेज कितनी है? दस मार्क। पक्का एग्जाम में आएगा? श्योर शॉट आएगा, डेफिनेटली आएगा। इतना कॉन्फिडेंस? यस। पास्ट एग्जाम को देखते हुए बात करते हैं, अगर पास्ट में हर अटेम्प्ट में पूछा गया तो आने वाले भी हर अटेम्प्ट में आएगा। चलिए शुरू करते हैं कॉस्ट शीट को, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे देखिए, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। दिस ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड बाय कॉस्ट शीट। This objective is fulfilled by cost sheet. Cost sheet is one of method of costing in which cost is determined for product. And after adding profit margin selling price is determined. तो जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के वो इसके थ्रू पूरे होते हैं।
कॉस्ट शीट का उपयोग कौन करता है? जो सिंगल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं और बल्क क्वांटिटी में बनाते हैं। आइए अब ये लिखते हैं, मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। कॉस्ट शीट इज यूज्ड बाय दोस मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चरिंग सिंगल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी। इट इज यूज्ड बाय दोस मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग सिंगल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी लाइक ब्रिक मेकिंग। कॉमा कोल मेकिंग कंपनीज। तो स्पेसिफिक ब्रिक और कोल इंडस्ट्री कॉस्ट शीट का उपयोग करते हैं कॉस्ट को निकालने के लिए। अब यहां कॉस्ट कैसे निकलती है? कॉस्ट शीट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट है जो प्रोडक्ट की कॉस्ट रेगुलर इंटरवल पे देता है, फैक्ट्री तक कितनी, ऑफिस तक कितनी, शोरूम तक कितनी। आइए कॉस्ट शीट इज अ फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एट रेगुलर इंटरवल्स। तो कॉस्ट शीट एक डॉक्यूमेंट है, स्टेटमेंट है जो कॉस्ट बताता है एट रेगुलर इंटरवल। डेट इज डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। यहां पर हमें डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट और फॉर्मेट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन रेगुलर इंटरवल्स। अब मैं एक बार दोबारा से आपको अभी तक की चीजें रिकॉल करवा देता हूं। हमने आज आपके साथ जो मेथड शुरू करा है, चैप्टर शुरू करा है, वो कॉस्ट शीट है। कॉस्ट शीट क्या होता है? कॉस्ट शीट के थ्रू हम कॉस्ट निकालते हैं। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट निकालना, वो यहाँ फुलफिल होता है। इसका उपयोग कौन करता है? इसका उपयोग वो लोग करते हैं जो सिंगल वैरायटी बनाते हैं और बल्क में बनाते हैं, जैसे ब्रिक मेकिंग, कोल मेकिंग। लेकिन अब अनऑफिशियली आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आजकल कॉस्ट शीट का उपयोग सभी लोग करने लग गए हैं, चाहे वो डिफरेंट वैरायटी बना रहे हैं और स्मॉल क्वांटिटी बना रहे हैं, वो लोग भी कॉस्ट शीट का उपयोग कर रहे हैं। कॉस्ट शीट में ऐसा क्या होता है? यहाँ पे हम एक फॉर्मेट के माध्यम से कॉस्ट निकालते हैं। अगर मान लो हम 30 सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 30 बार वही सेम फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट आपको पूरा समझाया जाएगा, लर्न करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉन्सेप्चुअली उसको सीख जाएंगे। मैं एक बार ही फॉर्मेलिटी के लिए पहले पूरा फॉर्मेट लिख रहा हूँ, फिर वन बाय वन आपको एक एक चीज़ उस फॉर्मेट की एक्सप्लेन करूँगा और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। आइए आप मेरे साथ फॉर्मेट लिखना शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ से ऊपर लिखे जा रहा हूँ। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट शुरू कर रहे हैं। आइए सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड
उसके बाद डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीन का अगर हम टोटल करते हैं तो इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इसमें प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब जो आंसर आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। आगे लेके चलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, प्रोडक्शन वाले प्राइमरी पैकिंग, स्क्रैप सेल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जनरल, नहीं लाइन डालनी थी,
सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, सेल्स। ऐसे हम कॉस्ट निकालते हैं। ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट बड़ा जरूर है बट ये आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टाइम अभी लिखा है तो लेंदी लग रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलूंगा, एक बार ये सारा फॉर्मेट फिर से दिखाऊंगा और आपके साथ एक बार पढ़ के भी बताऊंगा हमने क्या लिखा है, और उसके बाद फिर हम इस फॉर्मेट में आने वाली चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आइए, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। सबसे पहले हमने लिखा है डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड, उसके बाद हमने लिखा है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, फिर लिखे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमने टोटल किया प्राइम कॉस्ट आ गया, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस किया, अब आंसर आया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें प्लस किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, आंसर आया फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें चार चीजें प्लस की गई हैं, एक क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एक प्राइमरी पैकिंग। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के साथ ब्रैकेट में लिखा है प्रोडक्शन, हमने माइनस किया है स्क्रैप सेल, अब जो आंसर आया इस कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने प्लस किया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो पहले वाला था ना वो वर्क इन प्रोग्रेस का था, ये वाला जो है ये फिनिश गुड्स का है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस करेंगे, इसमें सेलिंग एक्सपेंस प्लस करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्लस करेंगे, अब जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट प्लस कर देंगे तो जो आंसर आएगा इस कॉल्ड सेल्स। तो ये हमारा कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट था। आप एक बारी अगर बीच में कोई पॉइंट आपका छूट गया है तो आप गो थ्रू करके उसको अपडेट कर लीजिए, और फिर मैं आपको इसका मीनिंग अब जो है वो समझाना शुरू करूंगा। थोड़ा सा स्क्रीन स्क्रॉल करता हूं। यहां तक आइए, अब हम कॉस्टिंग के बेसिक्स को सीखेंगे इस चैप्टर की मदद से, फॉर्मेट की मदद से। मैं आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर अब लेके चल रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है मटेरियल। देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें सबसे पहले सामान चाहिए, इनपुट चाहिए। मान लीजिए आप ब्रेड बना रहे हैं तो आपको मैदा चाहिए, आप शूज बना रहे हैं तो आपको लेदर चाहिए, अगर आप गारमेंट्स बना रहे हैं तो आपको फैब्रिक चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें सबसे पहले सामान चाहिए यानी कि इनपुट चाहिए। अब इनपुट को हम मटेरियल बोलते हैं और वो दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। असल में इसके दो भाग किए जाते हैं। कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल को कहीं और लिखा जाता है, इनडायरेक्ट को कहीं और लिखा जाता है।
कहाँ पे लिखते हैं वो बात की बात है, पहले मटेरियल के दो प्रकार हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। आइए, मटेरियल में एक हो गया डायरेक्ट मटेरियल, हम शॉर्ट में मटेरियल को MAT लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं और ये एग्जाम में भी लिख सकते हैं, मटेरियल का शॉर्टकट MAT चलता है, डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, पहले एक न्यूट्रल रह के मटेरियल दो तरह के होते हैं इनके बारे में समझते हैं। मैं एक बार लिख देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है, आप मेरे साथ कॉपी कर लें। आइए, डायरेक्ट मटेरियल, ये माइनस का साइन नहीं है कहीं आप समझे माइनस, ये मैं लाइन स्टार्ट करने के लिए डैश डाला है। डायरेक्ट मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड इन अ फिनिश प्रोडक्ट, विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इन अ फिनिश प्रोडक्ट। जो फिनिश प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई हो सकता है वो डायरेक्ट मटेरियल है, जो नहीं हो सकता वो इनडायरेक्ट है। और विच इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंस, और विच इज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, विच इज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, और विच कैन बी ईजीली क्वांटिफाइड, और विच कैन नॉट बी easily quantified, जो easily quantify नहीं हो सकता। ये material को differentiate करने का तरीका है। material को दो तरह से हम distribute कर सकते हैं, एक होता है direct material, एक indirect material। अब हम आपको समझाते हैं ये क्या होता है। पहले मैं एक बार जो लिखा है उसको explain कर देता हूँ। जिस material को हम finished product के अंदर identify कर सकते हैं वो direct material है, जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है वो डायरेक्ट मटेरियल है, जिसकी इम्पोर्टेंस कम है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, जिसको इजीली क्वांटिफाई किया जा सकता है वो डायरेक्ट मटेरियल है, जिसको इजीली क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बाद में इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम। अभी बात सिर्फ फैक्ट्री के अंदर की करेंगे, उसके बाहर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्ट्री के अंदर की बात करेंगे। एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो शर्ट बनाती है, शर्ट। अब शर्ट को बनाने के लिए कुछ सामान, इनपुट, इंग्रेडिएंट्स, मटेरियल चाहिए। मैं मटेरियल के नाम लूंगा, इनमें से जिस मटेरियल को आप फिनिश प्रोडक्ट में देख सकते हैं वो डायरेक्ट है, जिसको नहीं देख सकते वो इनडायरेक्ट है, या ऐसे बोल दो जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है वो डायरेक्ट है, और जिसकी इम्पोर्टेंस है कंपैरेटिवली कम है वो इनडायरेक्ट है। जिसको आप इजीली क्वांटिफाई कर सकते हो कि कितना एक यूनिट को बनाने में लगा वो डायरेक्ट है, जिसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते आसानी से वो इनडायरेक्ट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी थोड़े छोटे लेवल से शुरू करूँगा फिर एग्जाम्पल को बड़ा कर दूंगा। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शर्ट बनाती है। शर्ट बनाने के लिए हमें चाहिए फैब्रिक। क्या आपको फैब्रिक शर्ट में दिखती है?
भाई कपड़ा तो दिखता है, आप देखो मैंने टी शर्ट पहन रखी है, फैब्रिक की तो है। टी शर्ट जो है वो फिनिश प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए फैब्रिक चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो आपको दिख रहा है। सो फैब्रिक इज अ डायरेक्ट मटेरियल। अब मटेरियल तो और भी चाहिए शर्ट को बनाने के लिए, बटन्स। क्या आपको बटन्स दिखते हैं? हाँ बटन्स दिखते हैं, वो डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन जब हम शर्ट को स्टिच करते हैं तो उसको स्टिच करने के लिए धागे की जरूरत पड़ती है, थ्रेड। क्या वो आपको थ्रेड दिखता है? नहीं, थ्रेड नहीं दिखता, तो वो इनडायरेक्ट है। लेकिन यहां पर कुछ बच्चे कहते हैं, सर नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे पास एक शर्ट है, उसमें वाइट कलर की शर्ट है, काले रंग का थ्रेड है, तो मेरे को तो थ्रेड दिखता है। तो वो क्या हुआ? मैं इसका जवाब आपको अभी थोड़ी देर के बाद दूंगा, अभी के लिए मैं इसको बोल रहा हूं इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि थ्रेड आमतौर पे दिखता नहीं है। आप खुद देखिए कैमरे में, आपको मेरी टी शर्ट दिख रही होगी, उसमें बटन लग रहे हैं वो दिख रहा होगा, बट थ्रेड नहीं दिखेगा। इवन अगर आप अपने हाथ में भी लेंगे तो थ्रेड नहीं दिखता। तो थ्रेड क्या हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल। इसके अलावा जब शर्ट बनती है तो सिलाई मशीन के अंदर कुछ ऑयल डाला जाता है जिससे कि वो स्मूथ चले, है तो वो भी मटेरियल ही। क्या आपको वो ऑयल इस शर्ट में दिख रहा है? नहीं, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसके बाद जब शर्ट बनके तैयार हो जाती है तो एक बाल्टी पानी में हम कुछ केमिकल डालते हैं, शर्ट्स को भिगो देते हैं, फिर निचोड़ के सुखाकर प्रेस करके पैक कर देते हैं। केमिकल इसलिए डालते हैं जिससे उसके रंग पक्के रहें और वो शर्ट श्रिंक ना हो। क्या वो आपको केमिकल नजर आता है शर्ट के अंदर? नहीं, वो नजर नहीं आता, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। सो दिस इज द फर्स्ट वे टू आइडेंटिफाई क्लासीफाई, जिसको आप देख सकते हैं वो डायरेक्ट हो गया और जिसको नहीं देख सकते वो इनडायरेक्ट है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, फैब्रिक और बटन तो हो गया डायरेक्ट मटेरियल, थ्रेड, ऑयलिंग और केमिकल ये हो गए इनडायरेक्ट। इसको क्लासिफाई ऐसे भी कर सकते हैं, जिसको आप इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं वो डायरेक्ट और जिसको कम देते हैं इनडायरेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि धागे की इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन धागे से भी ज्यादा कपड़े की इंपॉर्टेंस है। कपड़ा ही नहीं होगा तो बात कैसे बनेगी? सो डायरेक्ट मटेरियल की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, इनडायरेक्ट की उसके स्लाइटली कम होती है। शर्ट के अंदर कपड़ा और बटन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, उसके कंपैरिजन में थ्रेड, ऑयल, केमिकल वो कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्वांटिफाई का मतलब क्या होता है? जैसे आपको हमने पूछा एक शर्ट को बनाने के लिए कपड़ा कितना लगा, आपने छूटते ही कहा 2 मीटर, ये क्वांटिफाई कर लिया। तो आप डायरेक्ट मटेरियल को क्वांटिफाई कर सकते हो। बटन कितने लगते हैं, आपने कहा 11 बटन लगते हैं शर्ट के अंदर, ये क्वांटिफाई हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछे धागा कितना लगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो टेलर्स लोग होते हैं वो बड़ा सा रोल लेकर आते हैं, उसको मशीन पे लगा देते हैं, उसमें से वो चलता रहता है। अब वो कोई इसको नाप कर तोल कर थोड़ी शर्ट में लगाते हैं, भाई मैंने इतने मीटर धागा लगा दिया, ये कर दिया। इसी तरह मशीन में ऑयल, बड़ी सी शीशी ले लेते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं। अब ये क्या मालूम कि एक शर्ट के लिए कितना ऑयल लगा? आपने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, मशीन को थोड़ा चलाया, स्मूथ हो गई, अब 5-7 दिन शर्ट्स बनेंगी उसी 5-7-8-10 बूंद ऑयल से। एक शर्ट के लिए कितना कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम जुगाड़बाज हैं, हम ये कह सकते हैं पूरे महीने में एक शीशी लगी इतने रुपए की और इतनी शर्ट बनी, तो एक शर्ट के लिए इतना निकाल तो सकते हैं, इजीली क्वांटिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह से आपने कुछ शर्ट्स बनाई, बड़ी सी बकेट के अंदर पानी भरा, केमिकल की बॉटल ली, ढक्कन खोला, थोड़ा सा डाला, ढक्कन बंद कर दिया, शर्ट भिगो के आपने निचोड़ के सुखा दी। अब एक शर्ट के लिए कितना केमिकल लगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप खुद बताइए, जब आप नहाते हैं और शैम्पू करते हैं, क्या तोल के करते हैं क्या, आज मैंने कितने ग्राम लगाया? या साबुन जब आप लगाते हैं तो पहले और बाद में उसको तोलते हैं कि मैं आज कितना साबुन इस्तेमाल किया? तो इसको बोलते हैं क्वांटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक तरीका आप जुगाड़ निकाल लेते हैं, भाई मैंने एक मान लो 100 ग्राम का साबुन 25 दिन इस्तेमाल किया तो एक दिन का इतना। तो इस तरह से इनडायरेक्ट की कैलकुलेशन की जाती है, उसको इजीली क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जुगाड़ के थ्रू क्वांटिफाई कर सकते हैं। सो कुल मिला के आप किसी भी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तीनों बातें पूरी हों, इनमें से कोई भी एक बात अगर जचती है तो वो डायरेक्ट हो गया, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट हो गया। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जिसको आप फिनिश प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो डायरेक्ट है,
जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो डायरेक्ट है, जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं वो डायरेक्ट है, जिसको आसानी से क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जो कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, जो फिनिश प्रोडक्ट में नहीं दिखता, वो इनडायरेक्ट है। अब एक डिस्प्यूट होता है, जैसे मैंने बोला थ्रेड पे डिस्प्यूट हो गया, हमने एक रेडीमेड शर्ट दो बंदों के हाथ में पकड़ाई, हमने कहा फैब्रिक दिखती है, दोनों कहते हैं दिखती है, बटन दिखते हैं, हाँ बटन दिखते हैं, धागा बताओ दिखता है कि नहीं दिखता। अब एक कह रहा है दिख रहा है, एक कह रहा है नहीं दिख रहा। तो एक काम करो, इंपॉर्टेंस देखो, एक कह रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत है, एक कह रहा है इंपॉर्टेंस कम है, बात ही नहीं बन रही। अच्छा क्वांटिफाई देखो, क्या आप बता सकते हैं एक शर्ट को बनाने में कितना धागा लगा एग्जैक्ट? थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका मतलब हम इजीली क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो अब ये धागा क्या हो गया? इनडायरेक्ट। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल वे आउट बता रहा हूँ। वे आउट क्या बता रहा हूँ? अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, आप उस मटेरियल के अमाउंट को देखो, अगर वो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर है शर्ट की कॉस्ट में, तो उसको इनडायरेक्ट बोल सकते हो। अब जैसे शर्ट की जो कॉस्ट आएगी वो 500-700 रुपए तो आएगी, धागा कितने का लगेगा? 2-4-5-10-15 रुपए का, तो उसको इनडायरेक्ट बोल देंगे। तो जहां पे आप कंफ्यूज हो गए, जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, वहां पे आप एक चीज चेक कर लें, वो जो मटेरियल है उसकी वैल्यू कितनी है। अगर आपको लगता है मामूली सी वैल्यू है तो आप उसको इनडायरेक्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, और आपको लगे कंसिडरेबल है तो वो डायरेक्ट हो गया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, मालूम है आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, लेकिन अपने मन में आंसर करते रहिए और मेरे साथ मिलाते रहिए। और वैसे भी आप मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके कोई डाउट हो पूछ भी सकते हैं। मैं आज के सेशन के अंत में अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा अलॉन्ग विद ईमेल आईडी, आप उसके थ्रू मेरे से चैट कर सकते हैं और आप मेरे से अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। मैं आपको यहाँ से अब एक शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लेके चलता हूँ जहाँ पे जूते बनते हैं। याद करें जो आप स्कूल में शूज पहना करते थे काले रंग के, गोला शू हुआ करते थे, उसी तरह के जूते हैं। तो हमने आपको एक जूता आपके हाथ में पकड़ाया, हमने कहा जी ये फिनिश प्रोडक्ट है, आपने कहा ठीक है, देख के बताओ इसमें लेदर दिख रहा है? लेदर। आपने देखा अरे हाँ ये लेदर ही तो है। फीता दिख रहा है? लेसिस। आपने कहा बिल्कुल दिख रहा है ये लेसिस। अच्छा सोल दिख रहा है? आपने कहा उल्टा करके देखता हूँ, हाँ सोल दिख रहा है, घुमाया जूते को सोल दिख रहा है। ये सब डायरेक्ट मटेरियल है, आप इनको इजीली क्वांटिफाई कर सकते हो कि कितना लेदर लगता है एक पेयर बनाने के लिए, दो फीते लगते हैं एक पेयर बनाने के लिए और दो सोल लगते हैं एक पेयर बनाने के लिए, कहीं कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब मैंने आपको बोला जब जूता बनाया गया तो चिपकाने के लिए गमिंग पेस्ट सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है, क्या वो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है? तो आपने कहा वो दिख तो नहीं रहा, सोल और जूते को जब चिपकाया गया होगा तो वहां पे लगाया गया होगा, वो दिख नहीं रहा, वो इनडायरेक्ट है, उसकी इंपॉर्टेंस स्लाइटली कम है और वो क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते। वो कैसे? जो लोग जूता बनाते हैं वो बड़ी बड़ी बाल्टियां खरीद के लाते हैं गमिंग पेस्ट की, उसके अंदर वो स्केल जैसी चीज डालते हैं, अब उस पर वो लिपट जाता है, फिर उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसको सोल पे ऐसे ऐसे लगाते हैं, फिर उस स्केल जैसी चीज को अंदर बाल्टी में डाल देते हैं, इसको थोड़ा सुखाते हैं, फूंक भी मार देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर लेदर रख के फिर पीट देते हैं, चिपका देते हैं। इसको पूछो भैया तूने कितना सोल्यूशन लगाया, कहेगा बावले हो क्या, तोल के लगाया क्या मैंने, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैं नहीं बता सकता कितना लगाया, बट एक बाल्टी में मैं देख लूंगा कितने पेयर बने, उसके हिसाब से बता दूंगा एक के लिए कितना। जुगाड़ तो है लेकिन इजीली आप नहीं बता सकते, जैसे कि आपने कहा दो फीते श्योर शॉट, दो सोल श्योर शॉट, दो शीट लेदर की श्योर शॉट, ये तो सही है लेकिन सॉल्यूशन के अंदर आप डायरेक्टली इजीली नहीं बता सकते। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल। अब मैं आपको यहां से एक फर्नीचर शोरूम में लेके चलता हूं, एक डाइनिंग टेबल थी, तो मैंने बोला ये फिनिश प्रोडक्ट है, इसमें आपको लकड़ी नजर आ रही है? आपने कहा बिल्कुल, टेबल चेयर ये सब लकड़ी की हैं, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। फेविकॉल दिख रहा है? फेविकॉल। आपने कहा नहीं फेविकॉल तो नहीं दिख रहा, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। कील दिख रही है? कील, कील को अंग्रेजी में बोलते हैं नेल, नेल।
अब एक ने का दिख रही है, एक ने का नहीं दिख रही, आप कंफ्यूज हो गए। अपना वही प्रिंसिपल लगाओ। कौन सा प्रिंसिपल? अगर नेग्लिजिबल वैल्यू का अमाउंट होता है प्रोडक्ट के अंदर तो वो इनडायरेक्ट है। अगर मान लो एक डाइनिंग टेबल बनाने में 200-250 कील भी लगी हो तो कितने रुपए की होगी? डाइनिंग टेबल तो 50,000 की आ रही है, 60,000 की आ रही है, 20-25 रुपए कील होगी। इनडायरेक्ट डाल के छुट्टी करो, काम खत्म, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। और वैसे भी अगर आप देखेंगे कीलें गिन के नहीं लगाई जाती, भाई एक कुर्सी में 12 कील या एक कुर्सी में 15 कील, वो तो अगर हिलता है तो 2-4 और ठोक देते हैं, 2-4 गिर भी जाती हैं। तो कहने का मतलब हम इजीली क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो ये इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आएगा। ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं मटेरियल को, विच वन इज डायरेक्ट विच वन इज इनडायरेक्ट। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एग्जाम्पल्स लिखवा देता हूँ, जिससे कि आप एग्जाम में कभी रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे लंबे समय तक चीजें समझ आएंगी और याद रहेंगी। आइए, जैसे बात करते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्लोथ बटन्स, ये तो हो गए डायरेक्ट मटेरियल। थ्रेड, ऑयल, केमिकल, ये हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर हम आपको शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लेके चलते हैं तो वहां पर लेदर, लेसेस, सोल, ये तो हो गया डायरेक्ट मटेरियल। चिपकाने के लिए सॉल्यूशन, यानी कि गमिंग पेस्ट का यूज किया जाता है, ये क्या हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। फर्नीचर, मैन्युफैक्चरिंग, वुड डायरेक्ट हो गया, फेविकॉल और नेल इनडायरेक्ट हो गया। नेल मतलब कील इनडायरेक्ट हो गया। तो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब सवाल ये है, हमें समझ आ रहा है लेकिन इसका उपयोग क्या है वो बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, हमारे यहाँ तो घर में भी जो बात होती है वो कॉस्टिंग की भाषा में बात होती है। कॉस्टिंग की भाषा में बात होने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कल खाना बना तो उसमें मसूर की दाल चावल वो बने। अब मेरा जो बेटा है वो सेवेंथ क्लास में, तो बेटा सेवेंथ क्लास में, तो जब उसने खाया तो पता है क्या बोला, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल कम है। मैं साथ में बैठा, मैंने कहा भाई क्या कम है? कह रहा है नमक कम है। मैंने कहा ऐसे बोलना, तो कह रहे क्यों, मैंने गलत बोला क्या? मैं तो देखता हूँ आपको पढ़ाते हुए, तो मैं समझ गया बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। जब हम खाना बना रहे हैं, मान लीजिए दाल, तो दाल क्या है, एक फिनिश प्रोडक्ट है। उसके अंदर क्या आपको दाल नजर आती है? हाँ बिल्कुल नजर आती है। तो दाल क्या हो गया डायरेक्ट मटेरियल, दाल क्या हो गया डायरेक्ट मटेरियल, हमें दाल नजर आती है। लेकिन उसके अंदर नमक डाला जाता है, क्या वो नमक दिखता है आपको? नहीं, नमक नहीं दिखता। वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। तो जिस मटेरियल को आप फिनिश प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो डायरेक्ट है, जिसको नहीं कर सकते इनडायरेक्ट है। दाल में अगर देखा जाए तो पानी भी नजर आता है, तो पानी क्या हो गया डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन आपको नमक नहीं दिखता, धनिया पाउडर नहीं दिखता उसके अंदर, मिर्च नहीं दिखती, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि तोल के नाप के थोड़ी डालते हैं कि इतने ग्राम मिर्चे, इतने ग्राम नमक डाल दिए, वो तो स्वाद अनुसार डाल देते हैं।
तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। या वैसे भी सोच लो इनकी कौन सी कीमत ज़्यादा है, अगर डिफरेंशिएट करने में दिक्कत हो रही है तो अपना रूल लगाओ अंगूठा छाप, इस मटेरियल की अगर वैल्यू नेग्लिजिबल है तो इनडायरेक्ट, सब्सटेंशियल है तो डायरेक्ट। सब्सटेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा लगती है तो इसको भी आपको नोट करा देते हैं एक बार ही। आइए मैं लिखवाता हूँ नोट। If difficult to classify, इसका मतलब दोनों लग रहे हैं, हमें दोनों लग रहे हैं, डायरेक्ट भी लग रहा है इनडायरेक्ट भी लग रहा है, दोनों लग रहे हैं। If material is of negligible amount, ना के बराबर, बहुत कम, ठीक इट इज इनडायरेक्ट मटीरियल। अब मैं ये नहीं लिखवा रहा अगर बड़ा लग रहा है तो उसको डायरेक्ट ले लें, मैं ये नहीं कह रहा अगर बड़ा लग रहा है तो डायरेक्ट ले लें, ना के बराबर है तो आप उसको ये ले सकते हैं। क्या आपको यहां तक समझ आ गया है बात? आई होप आपने यहां तक मेरी बात समझ ली है। इफ डिफिकल्ट टू क्लासिफाई यानी कि दोनों लग रहे हैं, मटेरियल्स ऑफ नेग्लिजिबल अमाउंट, टेक इट इनडायरेक्ट मटेरियल। अब अपना कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन बेसिक्स को कॉस्ट शीट के साथ रिलेट करते हैं। मान लीजिए हम लिवाइस कंपनी की कॉस्ट शीट बना रहे हैं और लिवाइस कंपनी जीन्स बनाती है, तो हम जीन्स की कॉस्ट शीट बना रहे हैं। अब जीन्स की कॉस्ट कैसे निकालते हैं आप प्रैक्टिकली समझिएगा ज़रा। पहले देखते हैं जीन्स, जीन्स को बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए, एक तो डेनिम चाहिए, उसके बाद जिप चाहिए, बटन भी चाहिए, धागा भी चाहिए, मशीन में डालने के लिए कोई ऑयल भी चाहिए, और साथ में कोई केमिकल वगैरह है जो जीन्स को वॉश करेंगे बाद में जिससे उसके कलर्स लाने के लिए, वो भी चाहिए। तो जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो आप देखिए हम शुरुआत डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से करेंगे, डेनिम बटन जिप इसकी जो भी वैल्यू है वो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के सामने लिख देंगे। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के सामने हमने लिख दिया डेनिम कितने का है, जिप कितने की है, बटन कितने का है, वो यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा हमने कुछ केमिकल लिया है जिससे उसका रंग फास्ट रहे, रंग ना निकले, मशीन में कुछ ऑयल ग्रीस डाली है जिससे जीन्स बनाते हुए मशीन स्मूथ चले, वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो यहाँ पर नहीं आएगा, तो वो कहाँ जाएगा मैं आपको बताता हूँ। इसको हम बोलते हैं ओवरहेड, शरारती बच्चे कहते हैं जो सिर के ऊपर से निकल जाता है, नहीं नहीं, ओवरहेड का मतलब होता है ऊपर के खर्चे, जैसे आपने सुना होगा ऊपर की कमाई रिश्वत, ऐसे ऊपर के खर्चे होते हैं ओवरहेड, हम इसको ओवरहेड मानते हैं। ओवरहेड तीन प्रकार का होता है आमतौर पर, होते और भी है आमतौर पर, एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और एक होता है सेलिंग ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस ओवरहेड का मतलब ऑफिस का खर्चा, सेलिंग ओवरहेड का मतलब शोरूम का खर्चा।
अब आप दिमाग लगाएं, जो ऑयल है जो हमने सिलाई की मशीन में डाला, जो केमिकल है हमने बाल्टी ड्रम में पानी भर के उसमें डाला, उसके बाद जीन्स को निचोड़ के ड्राई करके सुखा दिया, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है क्योंकि जीन्स में दिखता नहीं है। लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है? क्या ये फैक्ट्री में होता है, क्या ये ऑफिस में इस्तेमाल होता है, या शोरूम में इस्तेमाल होता है? आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, ऑफिस में मशीन थोड़ी लगी होती है, ऑफिस में पानी की बाल्टी थोड़ी होती है, ये सब तो फैक्ट्री में होता है। तो इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। इसका मतलब आप देखिए, यहां पर एक टर्म देखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, उसका जो अमाउंट है वो हम यहां पे लिखेंगे। आप बात को समझिए, हम एक एक करके आपको चीजें सिखाएंगे, बाद में जब सबको कोलैट करेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। अभी आप फोकस कीजिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल है वो तो सबसे ऊपर आ गया, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है अब वो डिपेंड करता है कहाँ लग रहा है, तो वो कहाँ पर आएगा, वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ, जीन्स को बनाने के लिए अल्टीमेटली बेचना है, हमने कुछ सामान खरीदा, डेनिम खरीदा, जिप खरीदी, बटन खरीदे, ऑयलिंग ग्रीसिंग खरीदी, केमिकल खरीदा और कुछ शॉपिंग बैग खरीदे, क्योंकि जब वो बिकेंगी शोरूम से तो लोग हाथ में थोड़ी लेके जाएंगे। अब इतनी बड़ी कंपनी है, अपने नाम का शॉपिंग बैग देगी, उस पर लिवाइज लिखेगी, ऐसा सब करके, तो वो शॉपिंग बैग भी खरीदा हमने। अब आप बताइए, है तो सब ये मटेरियल, है तो सब ये सामान ही, डायरेक्ट मतलब आपको पता है कहाँ पर आएगा। अब बाकी जो जीन्स में दिखता नहीं है, ना आपको केमिकल दिखता जीन्स के अंदर, ना आपको ऑयल ग्रीस दिखता जीन्स के अंदर, ना वो थैला दिखता जीन्स के अंदर। जीन्स में थोड़ी थैला आपने खोद दिया है, वो तो बाद में उसमें डाल के बेचेंगे, वो भी नहीं दिखता। अब ये मटेरियल इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ऑयलिंग ग्रीसिंग कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ऑयलिंग ग्रीसिंग इस्तेमाल होती है हमारी किस जगह, फैक्ट्री में, तो ये कहां पर आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। और जो पैकिंग मटेरियल है, थैला वगैरह हो गया, ये सब कहां पर आएंगे, सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर। मैंने बोला तीन तरह के खर्चे होते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग, तो ये सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर आ जाएंगे। इस तरह से आप इनडायरेक्ट मटेरियल को दिखाते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल आमतौर पर या तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आता है या सेलिंग ओवरहेड के अंदर आता है। अगर वो इस्तेमाल फैक्ट्री में हो रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड, अगर वो शोरूम में पैकिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो वो पैकिंग मटेरियल सेलिंग ओवरहेड कहलाता है। मैं आपको यहां से एक बार दोबारा इधर लेके चलता हूं। मटेरियल दो प्रकार का हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको पता है डायरेक्ट कहाँ दिखाना है, इनडायरेक्ट आपको पता चल गया क्या होता है, तो एक बारी यहां इनडायरेक्ट के साथ ही लिख देते हैं। कॉस्ट शीट में ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ये भी एक स्टैंडर्ड टर्म है, आप एग्जाम में लिख सकते हैं, एग्जामिनर इसको समझता है, पूरे नंबर मिलते हैं। एफ थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ओ ऑब्लिक एच, ओवरहेड्स को हमेशा ओ ऑब्लिक एच लिख सकते हैं, लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर में भी लिखा होता है, ये टर्म चलती है, चिंता ना करें। फैक्ट्री की जगह एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलेगा, आपने पूरा लिखना है पूरा लिख सकते हैं। एस थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, ओ एच, ओ अब्लिक एच, ओवर हेड्स यानी कि सेलिंग ओवर हेड। सर ये लिखवा दो आप थोड़ा, कि ऑयलिंग ग्रीसिंग फैक्ट्री ओवर हेड में दिखाएंगे, शॉपिंग बैग जो होता है, थैला वगैरह जो हम जिसमें जीन्स डाल के बेचते हैं, वो सेलिंग ओवर हेड है। आप चिंता ना करें, हम कॉस्ट शीट में आपको एक एक चीज नोट कराएंगे आने वाले टाइम में, समझा मैं अभी रहा हूं बट लिखवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो अभी तक मैंने आपको बताया डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनडायरेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इनडायरेक्ट या तो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है या सेलिंग ओवरहेड कहलाता है। अगर फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड है, और शोरूम में इस्तेमाल हो रहा है तो सेलिंग ओवरहेड कहलाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने देखा होगा लिवाइस कंपनी में हम जीन्स की कॉस्ट निकाल रहे हैं, अब वहां पर काफी सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं लिवाइस में, तो एम्प्लॉयज को हम तनख्वाह भी देते हैं, तो उसको हम यहां पर किसी भी नाम से बुला सकते हैं, आप उनको वेजेस भी बोल सकते हैं,
आप उनको लेबर कॉस्ट भी बोल सकते हैं, आप उनको एम्प्लॉई कॉस्ट भी बोल सकते हैं। एक ना धारणा हमारे मन में है, वेजेस बेसिकली हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां छोटे लोग काम करते हैं। ये धारणा आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप किसी अफसर को भी पैसे दे रहे हैं तो आप उसको वेजेस बोल सकते हैं, भले ही सैलरी बोल दें, भले ही एम्प्लॉई कॉस्ट बोल दें। तो मैं आपको अब सेकेंड पॉइंट डिस्कस करवा रहा हूं मटीरियल के बाद। आइए सेकेंड पॉइंट, पहला था मटेरियल, अब है एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब होता है लेबर कॉस्ट। एम्प्लॉय भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट एम्प्लॉय, एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। डायरेक्ट एम्प्लॉय इनडायरेक्ट एम्प्लॉय क्या होते हैं बता रहा हूं आपको, लेकिन आप उनको डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर भी बोल सकते हैं। मतलब जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको आप लेबर बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कॉस्टिंग के अंदर। आप ये सोच रहे होंगे लेबर तो मजदूर होता है, नहीं नहीं, कॉस्टिंग में अफसर को भी लेबर बोल सकते हैं। तो एम्प्लॉय कॉस्ट समझने के लिए पहले आप ये समझिए एम्प्लॉय दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय, और एक होता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। मैं पहले इनके बारे में लिख देता हूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा डायरेक्ट एम्प्लॉय कौन होता है। हु इज directly engaged in production or carrying out some operation or process। Who is not directly engaged in production but assisting in production process administration selling। दो तरह के employees होते हैं, direct who is directly engaged in production or carrying out some operation or process, indirect who is not directly engaged in production but assisting in production process oblique administration oblique selling। जो production में directly involved है, साधारण भाषा में जो अपने हाथ से किसी product को बना रहा है या services दे रहा है वो direct, और जो लोग उसको मदद करते हैं वो इनडायरेक्ट कहलाते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉय या डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर, ये हो गए। अब मैं आपको पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हम लोग गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गए, हमें सबसे पहले वहाँ पर फैक्ट्री के अंदर एक परचेज मैनेजर मिला। हमने कहा भाई तुम्हारा क्या काम है? कहता है मेरा जो प्रोफाइल है, मेरा जो रोल है, मैं बाजार जाता हूँ, जीन्स बनाने के लिए मटेरियल खरीद के लाता हूँ, डेनिम खरीदता हूँ मैं, बटन्स खरीदता हूँ, जिप खरीदता हूँ, पैकिंग मटेरियल खरीदता हूँ, ये सब मैं खरीदता हूँ। तो उसका मेन रोल परचेजिंग का है।
वो कौन हुआ? वो हुआ इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। अब हमें मिला हेल्पर, हमने कहा भाई तू क्या करता है? कहता हम 10-15 हेल्पर्स हैं तो प्रोडक्शन में मदद करते हैं, किसी को कोई चीज़ चाहिए तो पकड़ा दी, कुछ चीज़ रखनी है वो कर दिया, कोई चीज़ सरकानी है वो सरका दी, तो हम इस तरह से मदद देते हैं। ये कौन है? इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। इसके बाद हमें मिला सुपरवाइजर, तुम क्या करते हो? कह रहे मैं नज़र रखता हूँ सीसीटीवी कैमरे की तरह, सब ठीक चल रहा है गलत तो नहीं चल रहा, जहाँ गलत चलता वहीं टोक देता हूँ। वो कौन है? इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। वॉचमैन मिला, कह रहे मैं तो गेट पे बैठता हूँ नज़र रखता हूँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। मैनेजर मिला, कह रहा मेरा काम है फैक्ट्री को कंट्रोल करना, सब फैक्ट्री की परेशानियाँ दिक्कतें मैं देखता हूँ सॉल्व करता हूँ, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। अब हमें वहाँ पर कुछ टेलर्स मिले, हमने कहा आप क्या करते हैं? कह रहे हमारे गले में इंची टेप देख के समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा बताइए ना। कहते हम जीन्स बनाते हैं, बस जा ही रहे हैं मशीन के पास, वहाँ पे हम बैठेंगे और फिर जीन्स बनाएंगे। वो डायरेक्ट एम्प्लॉय हैं, वो अपने हाथों से प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पर जो टेलर्स हैं वो डायरेक्ट हो गए। इसके अलावा चाहे हेल्पर हो, क्लीनर हो, मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, वॉचमैन हो, दे आर ऑल इनडायरेक्ट। वो सब क्या है? इनडायरेक्ट। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कौन हो गया? टेलर। टेलर इज अ डायरेक्ट, रेस्ट ऑल आर इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। हम लोग यहाँ से शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर गए तो वहां पे हमें एक बंदा मिला, कह रहा मैं साफ सफाई करता हूँ, क्लीनर इनडायरेक्ट, हेल्पर इनडायरेक्ट। लेकिन एक बंदा वहां पर जूते बना रहा है, जूते, तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट एम्प्लॉय। वो क्या हो गया? डायरेक्ट एम्प्लॉय। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सर्विसेज दे रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं डायरेक्ट एम्प्लॉय हूं, एक तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन मेरी टीम में और भी लोग हैं जो बाद में इन क्लासेस का पीडीएफ बनाते हैं, इनको एनक्रिप्ट करते हैं, वो सब इनडायरेक्ट है। वो खुद पढ़ा नहीं रहे लेकिन मेरे को मदद देते हैं जिससे मैं अपना काम ठीक से कर सकूं, तो इन लोगों को बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। डायरेक्ट वो जो अपने हाथों से किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, और इनडायरेक्ट जो उनको असिस्ट करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझिए जरा बात को। लिवाइस कंपनी के अंदर एक तो टेलर हो गए, वो जीन्स वगैरह बना देते हैं। फैक्ट्री में और भी लोग हैं, लोडिंग अनलोडिंग के लिए, सुपरविजन के लिए, क्लीनिंग के लिए, वॉचमैन सिक्योरिटी के लिए, मैनेजर मैनेज करने के लिए सब। तो बाकी के जो लोग हैं उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। अब सैलरी तो सभी को दे रहे हैं, इसके अलावा लिवाइस ने अपने एक ऑफिस ही बना रखा है, कॉरपोरेट ऑफिस, जहां बड़े बड़े अफसर बैठते हैं, सैलरी तो वो भी ले रहे हैं। शोरूम में भी तो लोग बैठते हैं, सैलरी तो वो भी ले रहे हैं। तो एक तरह से कितने सारे एम्प्लॉयज हैं, आप देखिए, फैक्ट्री में भी हैं, ऑफिस में भी हैं, शोरूम में भी हैं। जो ऑफिस और शोरूम में एम्प्लॉय होते हैं वो तो इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो जीन्स तो बना ही नहीं रहे, वो इनडायरेक्ट है, वो मदद दे रहे हैं मैनेज करने में, बेचने में। लेकिन फैक्ट्री में आपको दो तरह के एम्प्लॉयज मिलेंगे, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। आप कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में देखिए जरा, सबसे ऊपर है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। टेलर्स को जो पैसे देंगे जीन्स बनाने के लिए वो यहां पर आएगा। इसके अलावा आपने हेल्पर, सुपरवाइजर, मैनेजर को पैसे दिए, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। इसके अलावा ऑफिस में जो अकाउंटेंट्स लोग बैठते हैं, अफसर लोग बैठते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आएगा। शोरूम में बाकी जो लोग हैं वो सेलिंग ओवरहेड्स में आएंगे। तो मैंने आपको ये बताना है, किसी भी एम्प्लॉय को अगर हम पैसे देंगे तो वो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट शीट में आएगी। आप पहले तो ये देखिए लोग काम कहाँ करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, शोरूम में। ऑफिस में करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, शोरूम में करते हैं तो सेलिंग ओवरहेड। फैक्ट्री में करते हैं तो दिमाग पे जोर डालिए, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड। इस तरह से क्लासिफाई करना है। मैं आपको एक बारी यहां से आगे लेके चलता हूं।
मैंने आपको बोला डायरेक्ट एम्प्लॉय कौन होता है, एक बार देखते हैं हु इज डायरेक्टली एंगेज इन प्रोडक्शन और कैरिंग आउट सम ऑपरेशन और प्रोसेस, हु इज नॉट डायरेक्टली एंगेज इन प्रोडक्शन बट असिस्टिंग इन प्रोडक्शन प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, आइए जैसे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गए, जो टेलर्स हैं वो डायरेक्ट हो गए, इसके अलावा हेल्पर, क्लीनर, वॉचमैन, सुपरवाइजर, मैनेजर, ये सब इनडायरेक्ट हो गए। फर्नीचर मेकिंग, वहां पे कहीं ना फर्नीचर बन रहा है तो कारपेंटर मिला, ठोक पीट करता है, कुर्सी वुर्सी बनाता है। वो डायरेक्ट हो गया। रेस्ट क्या हो गए? इनडायरेक्ट। रेस्ट यानी कि हेल्पर, सुपरवाइजर, ऐसे। तो अभी मैं आपको एक तरह से सिर्फ टर्म्स सिखा रहा हूं, मटेरियल दो प्रकार का, इसी तरह से एम्प्लॉय दो प्रकार के। अभी हम कॉस्ट शीट में और डेप्थ में जाएंगे कुछ देर के बाद। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्ट एम्प्लॉय को जो पैसे दे वो कहां पर आएंगे, आपको ऑलरेडी मालूम है। ये फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा, ए यानी कि एडमिन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। अब डिपेंड करता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय की लोकेशन क्या है, वो कहां पे काम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको फैक्ट्री एडमिन या सेलिंग ओवरहेड के सामने दिखाएंगे। आई होप आप यहां तक मेरी बात समझ गए होंगे। मैं आपको अब यहां से आगे लेके चलूंगा। मैंने आपको मटेरियल के दो पार्ट, एम्प्लॉय के दो पार्ट बता दिए। थर्ड, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी जो एक्सपेंसेस मैंने लिखे, इसको मैं अभी के लिए बहुत ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करूंगा, बट कुछ देर के बाद हम इसको डिटेल में आपके साथ समझेंगे, क्योंकि अभी मेरे को तीन बेसिक नोट लिखवाने थे, दो तरह का मटेरियल, दो तरह की लेबर और दो तरह के एक्सपेंस, बस अभी ये सिखाना था। कॉस्ट शीट में हम डिटेल में एक एक चीज को दोबारा समझेंगे थोड़ी देर के बाद। तो एक्सपेंसेस बेसिकली दो तरह के हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूं, एक्सपेंस विदाउट विच प्रोडक्शन कैन नॉट बी कमेंस्ड और एक्सपेंस इनकर्ड स्पेशली फॉर वन प्रोडक्ट, इनडायरेक्ट।
अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑल आर इनडायरेक्ट। अदर देन दिस दे आर ऑल इनडायरेक्ट। एक हुआ डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? कोई भी ऐसा खर्चा जिसको करे बगैर आप प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट है। और एक बार प्रोडक्शन शुरू हो गया, अब जितने भी खर्चे हैं वो सब इनडायरेक्ट होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल लिवाइस का दे रहा था, एक बार फिर से सोचते हैं। हमने मटेरियल खरीदा, उसमें से डेनिम, बटन, ये सब डायरेक्ट मटेरियल हो गया। टेलर्स, उनके पैसे हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया। अब नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस। मशीन पावर से चलेगी, बिजली से, तो पावर का जो बिल आएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। जो पावर का बिल आएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए तीन चार प्रोडक्ट बनते हैं, कोई ऐसा खर्चा जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, बाकी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैं मानता हूं अभी क्लैरिटी नहीं आ रही, बट आएगी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हम इन सब एलिमेंट्स को दोबारा से थोड़ी देर के बाद डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा था कि क्या होता है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। कोई ऐसा खर्चा जिसके बगैर हम प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सकते, या वो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए किया जा रहा है, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। अदरवाइज बाकी सब खर्चे इनडायरेक्ट हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस की क्लैरिटी आपको थोड़ी देर के बाद आएगी। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो डिपेंड करता है कहाँ के हैं। ये फैक्ट्री ओवरहेड भी हो सकता है, एडमिन ओवरहेड भी हो सकता है, और सेलिंग ओवरहेड भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए हमने फरीदाबाद की फैक्ट्री, दिल्ली का ऑफिस और पंजाब का शोरूम, तीनों किराए पे ले रखे हैं। अब ये मटेरियल तो है नहीं जो हम किराया देते हैं, ये एम्प्लॉय कॉस्ट भी नहीं है, ये एक्सपेंसेस हैं। और ये एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट है, रेंट का देना इनडायरेक्ट है। जो फैक्ट्री का किराया है फैक्ट्री ओवरहेड, जो ऑफिस का किराया है वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, शोरूम का किराया सेलिंग ओवरहेड। ये सारी चीजें भी जीन्स की कॉस्ट के अंदर ऐड की जाएंगी, क्योंकि हम अपने घर से क्या देंगे, कुछ भी नहीं। ये जितने खर्चे हैं सब बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो रेंट भी एक तरह का खर्चा हो गया, कॉस्ट हो गया। बट मैं मान पा रहा हूं अभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डाउट है, आप मेरे को टाइम दीजिए, हम आगे जाके क्लियर कराएंगे, क्योंकि इसके ऊपर टाइम लगेगा काफी। बट अभी के लिए मेरे को आपको इतना ही बताना था। मैं कह सकता हूं एक तरह से तीन आइटम्स मैंने आपको बताए, मटेरियल, एम्प्लॉय, एक्सपेंस। दो तरह का मटेरियल, दो तरह के एम्प्लॉयज, दो तरह के एक्सपेंसेस। मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ चीज़ें। हमने कॉस्टशीट का फॉर्मेट बनाया, थोड़ी देर के लिए उस फॉर्मेट को साइड में कर देते हैं। अब मटेरियल दो तरह का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? जिसको फिनिश प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, और जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, वो हो गया डायरेक्ट। जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसकी इम्पोर्टेंस कम और जिसको क्वांटिफाई करने में प्रॉब्लम हो, वो इनडायरेक्ट। अगर डाउट हो तो वैल्यू देख लो, नेग्लिजिबल है तो इनडायरेक्ट, सब्सटेंशियल है तो डायरेक्ट। एम्प्लॉय भी दो तरह के होते हैं, अपने हाथों से प्रोडक्ट बना रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन वो लोग जो असिस्ट करते हैं, चाहे बनाने में या बेचने में या एडमिनिस्ट्रेशन में, दे आर ऑल इनडायरेक्ट। एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंस जिनके बगैर प्रोडक्शन शुरू नहीं होता, वो डायरेक्ट हो गए, और एक ऐसे एक्सपेंस जो अब हमेशा लगेंगे प्रोडक्शन शुरू होने के बाद, वो इनडायरेक्ट, या किसी एक प्रोडक्ट के लिए लगा रहे हैं तो वो डायरेक्ट हो गया, रेस्ट ऑल आर इनडायरेक्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉस्ट शीट से थोड़ा सा बाहर निकाल कर, उसके बाद वापस से कॉस्ट शीट में फुल फ्लैश एंटर कर जाएंगे।
मैंने आपको प्रीवियस सेशन में कॉस्ट बताया था, मैंने कहा था कॉस्ट दो तरह की होती हैं, सॉरी मैंने आपको कहा था कोई भी खर्चा जो हम कमाने के लिए करते हैं उसको कॉस्ट बोलते हैं, जिसको हम कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ सेलिंग प्राइस। दुकान का किराया हो गया, परचेजेस हो गई, सेल्समैन की सैलरी हो गई, दुकान का बिजली पानी बिल हो गया, लेकिन दुकान में जो आग लगी वो एबनॉर्मल था, वो कॉस्ट नहीं होता। अब कॉस्ट को ना क्लासिफाई करने के कुछ तरीके होते हैं, उसमें से मैं सिर्फ दो तरीके अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप ज़रा सामने देखिएगा, यहाँ पर देखिए, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये कॉस्ट शीट से रिलेटेड नहीं है। जनरल कॉन्सेप्ट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट को क्लासिफाई करने के कुछ तरीके हैं, एक है एलिमेंट वाइज, और एक है फंक्शन वाइज। और भी तरीके हैं बट उसको लेटर ऑन अपने कोर्स में पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा दो ही तरीके हैं। अदर क्लासिफिकेशन वेज आर ऑल्सो देयर बट विल लर्न इन लेटर क्लासेस। और मैं आपको एक चीज अश्योर करता हूं, जब मैं आपको सारे क्लासिफिकेशन करा दूंगा उसके बाद नेक्स्ट जो सेशन होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसमें ये सारे एक बार रिकैप करवा दूंगा आपको। अभी सारे बताने का फायदा नहीं है क्योंकि आगे की चीजें तो आपको आती नहीं है, तो बताने का यूज क्या है। अभी तो उतना बताऊं जितना आपने पढ़ा है। कॉस्ट को हम अभी मान के चल रहे हैं दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हुआ एलिमेंट वाइज, इसको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के तीन एलिमेंट होते हैं, एक मटेरियल, एक एम्प्लॉय और एक एक्सपेंस। ये एक ब्रॉड है, ये मैंने आपको तीनों करा दिए हैं। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, तीन ही चीजें होती हैं, एक मटेरियल, एक एम्प्लॉय, एक एक्सपेंस। अब मटेरियल फर्दर दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट मटेरियल दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। एम्प्लॉय भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट एम्प्लॉय और एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैं आपको अभी एलिमेंट वाइज कॉस्ट क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, इसको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं। कॉस्ट के तीन एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल दो तरह का हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर भी दो तरह के हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एक्सपेंस भी दो तरह के हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब जरा बात को समझना, एक हुआ इनडायरेक्ट मटेरियल, एक हुआ इनडायरेक्ट एम्प्लॉय,
और एक हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनको मिला के हम ओवरहेड बुलाते हैं, इनको मिला के हम ओवरहेड बुलाते हैं। तो आप जरा देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ऑयल जो है वो एक तरह से इनडायरेक्ट मटेरियल है। आपको कहा था ऑयल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि वो शर्ट में दिखता नहीं है, क्योंकि वो फैक्ट्री में लगता है, वो फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। इसी तरह से एक हेल्पर है या क्लीनर है, वॉचमैन है, सुपरवाइजर है, ऑफिसर है, सेल्समैन है, ये सब इनडायरेक्ट एम्प्लॉय हो गए। तो इनकी जो सैलरी है वो फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कहलाती है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे कि फैक्ट्री का रेंट हो गया, ऑफिस का रेंट है, शोरूम का रेंट है, ये भी एक तरह से ओवरहेड हो गए। अब डिपेंड करता है फैक्ट्री, एडमिन या सेलिंग। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं एलिमेंट वाइज और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तीन चीज़ों से कॉस्ट मिलकर बनती है, मटीरियल, लेबर, एक्सपेंस। मतलब दो तरह का हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एम्प्लॉय भी दो तरह के हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्सपेंस भी दो तरह के हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एक हो गया ओवरहेड्स। अब मैं आपको नेक्स्ट सिखाता हूं फंक्शनल क्लासिफिकेशन या फंक्शन वाइज। फंक्शन वाइज या फंक्शनल क्लासिफिकेशन, आप कॉस्ट को ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर क्लासिफाई कैसे करते हैं, आपने कॉस्ट शीट के अंदर देखा, एक होती है प्राइम कॉस्ट, एक होती है फैक्ट्री कॉस्ट, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसे। तो कॉस्ट के कई तरह से क्लासिफिकेशंस किए जा सकते हैं। हमने दो क्लासिफिकेशंस अभी के लिए सीखे हैं, एक एलिमेंट वाइज और एक फंक्शन वाइज। एलिमेंट में आपने कहा कॉस्ट तीन तरह की होती है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, फिर उनके फर्दर सब पार्ट्स हैं। फंक्शन में आपने कहा पांच तरह के फंक्शंस होते हैं, एक प्राइम कॉस्ट, एक फैक्ट्री कॉस्ट, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक कॉक्स और एक कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कॉस्ट शीट में हम जो क्लासिफिकेशन यूज करते हैं वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है। मैं आपको अब अपनी बुक के अंदर लेके चलूंगा, आइएगा। जो हम आपको दो वॉल्यूम ऑफ बुक दे रहे हैं उसमें से पहले वॉल्यूम के अंदर कॉस्ट शीट टॉपिक है और ये कॉस्ट शीट आपके सामने है। यहाँ पूरा फॉर्मेट भी कॉस्ट शीट का दे रखा है, एक बार इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या लिखा है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज एसेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये एक नई टर्म आ रही है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जिस चीज के लिए कॉस्ट निकालते हैं उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या जो चीज हम बनाते हैं उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कैलकुलेटर बनाता हूं, अब मैंने बना लिया, मैं इसकी कॉस्ट निकालना चाहता हूं, तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। मैं पेन बनाता हूं और पेन बनाने के बाद अब मैं उसकी कॉस्ट निकालना चाहता हूं, ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। मैं मोबाइल बनाता हूं, बनाने के बाद अब मैं इसकी कॉस्ट निकालना चाहता हूं, ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। तो जिस चीज की कॉस्ट हम निकालते हैं या जो हम बनाते हैं उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर से देखिए क्या लिखा है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज एसेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट।
Cost sheet, cost statement is a document which provides detailed cost information. In typical cost sheet, cost information are presented on the basis of functional classification. कॉस्ट शीट के अंदर जो कॉस्ट होती है वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आती है. आप देख सकते हैं प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉक्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स. आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे. ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. अब आपको पीछे लेके चलते हैं. यहां पे मैंने आपको एलिमेंट वाइज और फंक्शंस वाइज सिखा दिया है. अब आपको मैं आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, उसके बाद आगे लेके चलूंगा. एक कुम्हार होता है, आप समझते हैं कुम्हार कौन होता है, जो मिट्टी से चीजें बनाता है. तो कुम्हार क्या कर रहा था, चीलम बना रहा था. मैं समझता हूं कि आपको शायद चीलम नहीं पता होगा. चीलम का मतलब हो गया हुक्का, हुक्का. तो वो चीलम बना रहा था. तो सुबह सुबह उसकी पत्नी ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो कुम्हार आगे बैठा, चिकनी मिट्टी से चीलम का आकार दे रहा था. कह रहे, चीलम बना रहा हूं. तो पत्नी ने कहा, चीलम क्यों बना रहे हो? घड़ा बनाओ, मटका बनाओ, सुराही बनाओ. अब गर्मी आने वाली है, वो बिकेगा, चार पैसे घर में आएंगे, बच्चों को रोटी मिलेगी खाने को, चीलम कौन खरीदेगा? अब कुम्हार को ये बात समझ आती है. तो कुम्हार ना उस मिट्टी को छोड़ देता है, दोबारा से चिकनी मिट्टी उठाता है. अब उसको ना घड़े का आकार देने की कोशिश कर रहा है. तभी मिट्टी के अंदर से आवाज आती है, हे कुम्हार, क्या कर रहा है? कुम्हार ने कहा, मटका बना रहा हूं, घड़ा बना रहा हूं. मिट्टी के अंदर से आवाज आती है, अभी तो चीलम बना रहा था. कुम्हार ने कहा, मेरा विचार बदल गया. साहब, इसके बाद मिट्टी का जवाब सुनिएगा और हमेशा याद रखिएगा. मिट्टी ने कहा, कुम्हार, तेरा तो विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई. तेरा तो विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई. अगर तू चीलम बनाता, मैं खुद भी जलती, औरों को भी जलाती. अब तू मटका बना रहा है, मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी ठंडा रखूंगी. मैं आपको बताना चाहता हूं, विचार बदलने से जिंदगियां बदल जाती हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, शायद नहीं हो पाएगा, दे के देखते हैं, मुश्किल है, उसका नहीं हुआ, मेरा कैसे होगा. मैं आपको कहता हूं, आप इन विचारों को छोड़िए, विचार बदलिए. हम करके दिखाएंगे, कोई और करे ना करे, मैं करके दिखाऊंगा. मैं जिस राह पे निकला हूं, मैं आगे तक पहुंच के दिखाऊंगा. मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा. मेरे को जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा आने वाले 2-3 साल में, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटूंगा. इतना भी आपने सोच लिया ना, मैं बताता हूं, आधा काम तो समझिए हो ही गया. अब तो बस इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, माइंडसेट हो चुका है. तो विचार ऐसी चीज है जो जिंदगियां बदल देते हैं. आप भी अपने विचार को बदलिए, पॉजिटिव थॉट्स लेकर आइए, डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे. आई होप आपने यहां तक तो कॉपी कर ही लिया होगा. अब हम यहां से आगे बढ़ने चाहेंगे. मैं आपको अभी तक कॉस्ट शीट में एक बार ऊपर से दिखा देता हूं क्या क्या करवाया है. शुरू में तो इंट्रोडक्शन लिखवा दिया था. अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं. कॉस्ट शीट के कुछ नाम हैं, सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग. इसका नाम सिंगल कॉस्टिंग इसलिए है क्योंकि ओरिजिनली ये वो लोग फॉलो करते थे जो एक वैरायटी बल्क में बनाते थे, इसीलिए इसका नाम सिंगल कॉस्टिंग है.
आउटपुट कॉस्टिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है। जैसे जीन्स की कॉस्ट निकाल रहे हैं हम, फैब्रिक की नहीं निकाल रहे, जीन्स कितने में पड़ी, इस वजह से इसको आउटपुट कॉस्टिंग बोलते हैं। बाकी यूनिट कॉस्टिंग क्यों बोलते हैं आपको आगे जाके समझा देंगे, खुद ब खुद समझ आ जाएगा, ये इसके नाम थे। तो इंट्रोडक्शन हो गया है, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट हो गया, उसके बाद हमने कुछ मटेरियल के, एम्प्लॉई के और एक्सपेंसेस के बाइफरकेशंस देखे, और अल्टीमेटली ये जज किया कि इनके जो टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और कॉस्ट क्लासिफिकेशन को देख लिया। अब मैं आपको यहां से आगे लेके चलता हूं। आइए अब मैं आपको एक बारी कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में ऊपर लेके चलता हूँ। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को दोबारा से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। एक्चुअली मैंने अभी जो आपको 1, 2, 3 पॉइंट्स लिखवाए उसका बेसिक पर्पस था आपको ये बताना मटेरियल दो तरह का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एम्प्लॉय दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इसके अलावा एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो आप समझ गए। अब कॉस्ट शीट में सबसे पहला कैलकुलेशन है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ये क्या होता है इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। आइए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको ये चीज सिखाता हूं, आप जरा देखिए। जैसे एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, चाहे वो आप मान लो लिवाइज जीन्स बनाती थी या वो शर्ट बनाती थी, कोई भी एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले लेते हैं, तो उनके पास ना कुछ रॉ मटीरियल का, मटीरियल का ओपनिंग स्टॉक था। यानी कि ऐसा मान लेते हैं 1 जनवरी को इनके पास रॉ मटेरियल, जिसको आप बोल सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल, 5,000 रुपए का था। अभी इनको हम शर्ट मान के चलते हैं, मतलब 5,000 रुपए का फैब्रिक था इनके पास, फैब्रिक को रॉ मटेरियल बोलते हैं। अब इनके पास एक ऑर्डर आया जिसमें इनको जनवरी के एंड तक शर्ट्स बना के सप्लाई करनी है, तो इन्होंने इस मटेरियल को देखा और कहा ये तो बहुत कम है, इससे तो शर्ट नहीं बनेंगी। तो वो अपनी फैक्ट्री से दूर एक सप्लायर के पास गए खरीदने के लिए। हम ये मान लेते हैं इनकी जो फैक्ट्री है वो दिल्ली में है, और जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, दुकान वाला है, वो नोएडा में है, नोएडा। रॉ मटेरियल सप्लायर ये नोएडा में है, तो ये दिल्ली से उठ के नोएडा पे गए और इन्होंने बोला जी हमें आपसे कुछ फैब्रिक खरीदनी है, दिखाइए। फैब्रिक पसंद आ गई। अब जब फैब्रिक पसंद आई तो इन्होंने बोला ये कितने का पड़ेगा हमें सारा फैब्रिक,
तो दुकान वाले ने बोला 3 लाख रुपए का। उसमें कई तरह की फैब्रिक थी, मान ले दो दो तीन कलर्स थे, 3 लाख का पड़ेगा। तो इन्होंने कहा भाई सभी लोग डिस्काउंट देते हैं, आप नहीं करेंगे? तो दुकान वाले ने थोड़ा सोचा और कहा चलो आपको हम ट्रेड डिस्काउंट 10% दे देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है जो बाजार में चल रहा है, मतलब कहीं से भी ले सभी लोग दे देते हैं। जैसे आप देखते हैं सेल लगती है तो सभी दुकानों पे सेल लग रही है, 30% ऑफ, 50% ऑफ, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो उसने बोला सभी लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, चलो हम भी आपको 10% दे देते हैं। तो इसने कहा ठीक है जी, आप ये सामान हमें दे दीजिए। अब इतना सारा सामान वो अपनी गाड़ी में तो रख के लेके नहीं आ सकता, तो इसने सप्लायर को पूछा ये दिल्ली तक कैसे जाएगा? तो सप्लायर ने कहा ये तो आप देखो, मैं तो बस मदद कर सकता हूँ, एक टेम्पू ट्रक वाले को बुला सकता हूँ, वो छोड़ देगा आपकी फैक्ट्री तक। तो इसने कहा बुलाओ। अब एक टेम्पू वाले को बुलाया गया, उसमें ये सारी फैब्रिक रखी गई, लेकिन ये जो ट्रक वाला है ये कहता है मेरे को भाड़ा चाहिए। भाड़ा कितना? 2,000, मेरे को 2,000 रुपये किराया दो। अब दिल्ली में जो फैक्ट्री, उसने कहा ठीक है भाई देंगे तेरे को भाड़ा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेट। कार्टेज। कैरेज इनवर्ट। इसको बोलते हैं फ्रेट, कार्टेज, कैरेज इनवर्ट। अब इसने कहा दिल्ली तक जब ये फैब्रिक आएगी तो रास्ते में कुछ डर है, शायद कोई लूट ले इस ट्रक को, सारा सामान चोरी हो जाए तो मेरे को नुकसान होगा। तो रॉ मटेरियल सप्लायर ने कहा आप इसका रास्ते रास्ते का इंश्योरेंस करा सकते हैं, क्योंकि रास्ते के इंश्योरेंस में कम प्रीमियम देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस। इसने कहा करा दे यार। तो अब हमने ट्रांजिट इंश्योरेंस करा दिया। ट्रांजिट इंश्योरेंस 500 रुपये का, जो ट्रांजिट इंश्योरेंस है वो 500 रुपये का हुआ। तो हमने ट्रांजिट इंश्योरेंस करा दिया 500 में। अब रास्ते का इंश्योरेंस हो गया। जब ये सामान दिल्ली फैक्ट्री में पहुंचा तो जैसे कपड़े के थान होते हैं, कपड़े के थान होते हैं, तो उसमें से जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है ना, स्टार्टिंग का पोर्शन हर कपड़े के थान में, उस पर एक छापा लगा होता है। छापा यानी कि कंपनी का निशान। अब जैसे मान लो वो कपड़ा रिलायंस इंडस्ट्री का था, तो उस पर लिखा था रिलायंस इंडस्ट्री, यूनिट ऑफ रिलायंस कंपनी, 35% टेरिकॉट, 65% विस्कॉस, ऐसे लगा होता है, मोहर लगी होती है छापे की। तो वैसे तो वो धोने से हट जाता है, लेकिन कई बार हटता भी नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, हर थान में से कुछ कपड़ा पहले काट देते हैं। अब वो क्योंकि थान कई सारे आए हैं, कोई एक तो आया नहीं, थान मतलब बेल्स जो होती है, रोल जो होते हैं, अब वो कई सारे हैं, सब में से कट गया। लेकिन ये व्यापारी लोग बड़े चंट होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आसपास जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं डिजाइनर फैब्रिक है खरीद लो, कम रेट में दे देंगे, और ये उसको बेच देते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, इन्होंने फैब्रिक स्क्रैप सेल,
1000 की कर दी, मतलब जो भी इसमें से कटिंग्स निकली, मतलब जो उन्होंने कार्टेज पे छापा लगा हुआ था वो 1000 में बेच दिया। अब इन्होंने देखा कुछ फैब्रिक ऐसी हैं जो इनको नहीं चाहिए, मतलब वो या तो गलत आ गई हैं या उनका क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो इन्होंने नोएडा वाले को बोला, वो कह रहे जी वापस भिजवा दो। रिटर्न 20,000 की फैब्रिक वापस कर दी। अब सोचिए जब वापस करेंगे तो किराया तो ये दिल्ली वाले लोग ही देंगे, क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्ट वाले को किराया नहीं दोगे वो लेके क्यों जाएगा। तो यहां पर फ्रेट ऑन रिटर्न 600 रुपए लगे। अब ये जो सारा मटेरियल है इससे प्रोडक्शन शुरू हुआ, शर्ट्स बनी, और हमने 31 जनवरी को देखा इनके पास क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का बच गया। अब साथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जब ये दुकान पे गए तो यहां पर ट्रेड डिस्काउंट के साथ दुकान वाले ने बोला इस पे जीएसटी भी लगेगा, जीएसटी, और जीएसटी कितना लगेगा, 13,500। तो आप देखिए ये सारी कहानी है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये लोग शर्ट्स बनाते हैं, ये एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो, हाँ मैं आपको ये बता रहा था, जो डायरेक्ट मटेरियल हमें यहाँ पे निकालना है कंज्यूम कितना। अब कुछ स्टॉक हमारे पास था, कुछ हमने खरीदा और कुछ हमारा आखिर में बच गया, तो आप डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम की फिगर कैसे आती है। देखिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, सबसे पहले परचेस कॉस्ट, जो भी परचेस कॉस्ट है वो लिखी जाती है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं क्योंकि वो हमारा एक तरह से कॉस्ट नहीं है। इसके अंदर हम लोग प्लस करते हैं जीएसटी, इफ क्रेडिट नॉट अवेलेबल। अगर क्रेडिट नॉट अवेलेबल है तो प्लस करते हैं, अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो इग्नोर कर देते हैं। अगर हमने फॉरेन कंट्री से मंगवाया है तो ऑब्वियसली हम कोई कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हैं, वो प्लस होता है। इसके बाद फ्रेट, फ्रेट के बाद ट्रांजिट इंश्योरेंस, वो प्लस होता है।
माइनस स्क्रैप सेल ऑफ मटेरियल, स्क्रैप सेल ऑफ मटेरियल माइनस होता है रिटर्न ऑफ मटेरियल, अगर आपने कोई वापसी कर दिया वो। अब ये आपकी नेट परचेज कॉस्ट आ जाती है, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करते हैं, और यहां से आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, हमने जो मटेरियल कंज्यूम करा है वो इतने का है। इस तरह से हम मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशंस करते हैं। मैं आपको एक बार एग्जांपल के रेफरेंस से लेके चलता हूं। जैसे हमने सबसे पहले मटेरियल खरीदा 3 लाख का, 3 लाख परचेज कॉस्ट आ गई, फिर दुकान वाले ने कहा चलो 10% डिस्काउंट दे देते हैं। अरे वाह, 10% डिस्काउंट मिल गया, तो ये माइनस कर दिया, एक तरह से हमें 2,70,000 का ही पड़ा। अब उसने जीएसटी मांगा, हमने जीएसटी दिया। अगर आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलता है तो आप इग्नोर कर देंगे, नहीं मिलता तो आप ऐड करेंगे। अब ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, मैं नोट लिखवा दूंगा आपको थोड़ी देर के बाद, और आपको नीचे बता दूंगा क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अदरवाइज टैक्सेशन की क्लास पे आप ये बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो जीएसटी प्लस करना है इफ क्रेडिट नॉट अवेलेबल। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको फॉर द टाइम बिंग इग्नोर कर रहा हूं, मैं नीचे नोट लिख दूंगा क्रेडिट मिलता है। लाओ अभी लिख दिया अजम्पशन, जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल, मैं मान के चलता हूँ जीएसटी का क्रेडिट मिल रहा है, तो यहां पर हमने डैश डाल दिया, कस्टम ड्यूटी है ही नहीं, फ्रेट भाड़ा हमने पे किया 2,000 रुपये, ट्रांजिट इंश्योरेंस हमने दिया 500, कोई फैब्रिक का स्क्रैप हमने 1,000 में बेच दिया, 20,000 का हमने रिटर्न किया है, और रिटर्न के ऊपर भी भाड़ा लगा है वो बाद में बताऊंगा। अभी नेट कॉस्ट देखते हैं कितनी आ गई, 3 लाख माइनस 30,000 प्लस 2,000 प्लस 500 माइनस 1,000 माइनस 20,000, 251,500। प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग है 5,000 और क्लोजिंग है 10,000, प्लस 5,000 माइनस 10,000, 246,500। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ गया हमारा 246,500। नेट परचेज कॉस्ट 251,500 प्लस 5,000 माइनस 10,000, आंसर आ गया 246,500। इस तरह से आप डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। अब जो मटेरियल हमने वापस किया उसके ऊपर हमने फ्रेट पे किया है, वो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में नहीं आता, उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं, जबकि खरीदते हुए जो हम भाड़ा देते हैं वो यहीं पर आता है, वो यहीं पर आता है। मैं एक नोट आपको लिखवा देता हूं, नोट फ्रेट ऑब्लिक कार्टेज पेड ऑन रिटर्न ऑफ मटेरियल
इज फैक्ट्री ओवरहेड। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के अंदर हम क्या क्या चीजें लेते हैं। एक तो हो गया परचेज कॉस्ट, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है माइनस कर देंगे। जीएसटी, अगर क्रेडिट मिलता है तो इग्नोर, नहीं मिलता तो प्लस करेंगे। कस्टम ड्यूटी यानी कि इंपोर्ट करा है प्लस करेंगे। फ्रेट यानी कि जो भी लाने में हमारा फ्रेट लगा वो। रास्ते का इंश्योरेंस यानी कि ट्रांजिट इंश्योरेंस प्लस होता है। स्क्रैप सेल माइनस कर देते हैं, रिटर्न है वो भी माइनस कर देंगे। इसके अलावा प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। प्लस ओपनिंग क्यों करते हैं, जो हमने खरीदा कुछ हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, अब हम ये सारा मटेरियल मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो बच गया वो घटा देंगे। डिफरेंस कहाँ गया, कंज्यूम कर लिया, ओपनिंग था खरीद के लाए, दोनों को मिला दिया, इसमें से जो बच गया वो घटा देंगे। रेस्ट क्या हुआ, हमने कंज्यूम कर लिया। रेस्ट क्या हुआ, हमने वो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कर लिया। दिस इज द वे वी विल कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। मैं आपको यहाँ पर एक बारी ये बताता हूँ नोट के तौर पे ही। जीएसटी क्रेडिट बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा। देखो, मान लीजिए हमने कोई फैब्रिक खरीदा, फिगर्स में दूसरी ले रहा हूं, और वो 50,000 की थी और उस पर 5,000 हमने जीएसटी पे किया, ठीक। अब इससे हमने शर्ट बना दी। अब शर्ट बना के हमने सेल करी सारी की सारी शर्ट 3 लाख रुपए की। अपने कस्टमर्स को हमने जब 3 लाख की शर्ट बेची तो हमने उसके ऊपर जीएसटी लगाया 30,000 का। तो कस्टमर्स ने हमें 3,30,000 रुपए दिए, 3,30,000। अब सरकार कहती है जीएसटी डिपॉजिट कराओ, जीएसटी डिपॉजिट कराओ, क्योंकि जीएसटी जो होता है वो हमारा नहीं सरकार का हिस्सा होता है, तो हमें सरकार को जीएसटी देना है। यहां दो पार्ट होते हैं, पहला क्रेडिट अवेलेबल, क्रेडिट नॉट अवेलेबल। कुछ चीजों पे क्रेडिट मिलता है, कुछ पे नहीं मिलता, बाकी ये सेल्स टर्नओवर पे भी डिपेंड करता है, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। मान लीजिए क्रेडिट अवेलेबल है, तो यहां पे गवर्नमेंट कहती है तुमने 30,000 जीएसटी लिया है, लेकिन जो तुमने परचेस पे पे किया था वो अपने पास रख लो, हमें 25,000 दे दो। इसका मतलब जो मैंने परचेस करते हुए जीएसटी दिया था वो मेरे को वापस मिल गया, तो वो मेरी कॉस्ट नहीं है, वो मेरी कॉस्ट नहीं है। इसका मतलब इस सिनेरियो में मेरी जो मटेरियल कॉस्ट होगी वो मात्र 50,000 होगी, वो मात्र 50,000 होगी, क्योंकि 5,000 तो मैंने रख लिया, मैंने ग्राहक से 30 लिया, लॉजिकली 30 जमा कराना चाहिए। सरकार कहती नहीं क्रेडिट मिलेगा, 5 तू रख ले, तू हमें 25 ही दे दे। यहां पर क्रेडिट नॉट अवेलेबल, सरकार कहती है 30,000, सरकार कहती है 30,000, आप हमें पूरा 30,000 जमा कराएंगे, ठीक है 30,000 जमा करा दिया, तो ऐसे में मेरी मटेरियल कॉस्ट होगी 55,000। तो ऐसे में मेरी जो मटेरियल कॉस्ट होगी वो 55,000 रुपये होगी। आप यहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। अगर जीएसटी का क्रेडिट मिलता है तो जो भी हमने परचेस पे जीएसटी पे किया है वो इग्नोर हो जाता है, एक तरह से वो हमारी कॉस्ट नहीं है। अगर क्रेडिट नहीं मिलता तो जो भी परचेस पे जीएसटी पे किया है वो ऐड होता है। तो मैंने देखो आपको ऊपर यही लिखवाया है, मैं ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पर प्लस करना है इफ क्रेडिट नॉट अवेलेबल, और मैंने अजम्पशन ली है क्रेडिट अवेलेबल है तभी मैंने इग्नोर कर दिया। एक बार आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। और जो मटेरियल वापस करते हैं, जो मटेरियल हम वापस करते हैं
बेसिकली जो हमने वापस किया वो फ्रेट जो उस पर लगता है वो यहाँ नहीं आता, वो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। तो जब फैक्ट्री ओवरहेड पड़ेंगे तो वहां पे आपको लिखवा देंगे। आई होप आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब मैं बस एक पॉइंट आपको बताऊंगा। जब हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं तो कॉस्ट को ऐसे दिखाते हैं। आप देखिएगा इसके अंदर तीन कॉस्ट आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आप प्राइम कॉस्ट की बजाय ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर क्या क्या कॉस्ट आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसे हमारा फैक्ट्री कॉस्ट बन जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आ गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आ गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। ऐसे तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन का बेसिकली मतलब होता है फंक्शंस के हिसाब से कॉस्ट दिखाना। और जब हम फंक्शंस के हिसाब से दिखाते हैं तो एक हो गया प्राइम कॉस्ट, एक फैक्ट्री कॉस्ट, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्राइम कॉस्ट में तीन चीजें होती हैं, फैक्ट्री में फैक्ट्री ओवरहेड जुड़ जाता है, प्रोडक्शन के अंदर एडमिन ओवरहेड्स भी आ जाता है और कॉस्ट ऑफ सेल्स में सेलिंग ओवरहेड भी आ जाता है। हम आज अपने सेशन में इतना ही करेंगे। एक पॉइंट मेरे को आपको बताना है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट क्या है मैं आपको अभी हाईलाइट कर देता हूँ। जब हमने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट किया तो आपने देखा था हमने यहाँ स्क्रैप सेल माइनस करी थी और वो स्क्रैप सेल प्राइमरी पैकिंग के बाद माइनस हो रही है। बट इस क्वेश्चन में आप देखेंगे हमने स्क्रैप सेल ऑफ मटेरियल यहाँ पे माइनस किया है। ये क्या चक्कर है, इसके बारे में चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं एक बार क्लास की समरी दे देता हूँ। आज हमने आपके साथ कॉस्ट शीट टॉपिक शुरू किया। कॉस्ट शीट क्या होता है पहले समझिएगा। हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट निकालना। कॉस्ट शीट एक माध्यम है जिसके थ्रू कॉस्ट निकाली जाती है। इसका उपयोग वो लोग करते हैं जो एक सिंगल वैरायटी बल्क में बनाते हैं, जैसे कोल मेकिंग, ब्रिक मेकिंग। अनऑफिशियल बात, आजकल हर कोई आदमी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए कॉस्ट शीट बनाता है। कॉस्ट शीट का एक लंबा फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में समझने से पहले आपको पता होना चाहिए मटेरियल दो तरह का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एम्प्लॉय भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मटेरियल डायरेक्ट वो है जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जिसको क्वांटिफाई आसानी से किया जा सकता है। अदरवाइज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एम्प्लॉय वो होते हैं जो अपने हाथ से प्रोडक्ट को बनाते हैं, अदरवाइज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जिसके बगैर प्रोडक्शन शुरू नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, आपने जो परचेस किया वो लेना है, डिस्काउंट माइनस करना है, कस्टम ड्यूटी प्लस करनी है, जीएसटी डिपेंड करता है क्रेडिट के ऊपर, फ्रेट कैरेज इनवर्ट प्लस करना है, ट्रांजिट इंश्योरेंस प्लस करना है। अगर कोई स्क्रैप सेल ऑफ मटेरियल है माइनस हो जाएगा, अगर रिटर्न ऑफ मटेरियल है वो भी माइनस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे क्योंकि ये ओपनिंग के साथ आके मिल गया, क्लोजिंग माइनस कर देंगे क्योंकि वो बच गया, डिफरेंस इज कंज्यूम्ड। वापस करते हुए जो हम फ्रेट पे करते हैं वो इग्नोर हो जाता है। उसका कारण है वो जो फ्रेट है वो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है, रिटर्न वाला। आज के सेशन में इतना ही करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको आगे बढ़ाएंगे। सी यू।